महाकारुणिक भगवान बुद्ध, प्रज्ञा सूर्य, बाबा साहेब आंबेडकर एवं भंते संघरक्षित यांना त्रिवार वंदन। मंच पर उपस्थित माझे मित्र नीतिवर्ज आणि संचालक धम्मचारी विवेक बंधु तथा आज पूर्ण रूपेण सुविधायुक्त हाल में हालच्या मध्ये हे जे कार्यक्रम होऊन राहिले त्याच्याकरता सुगत प्रियंदा आणि वसंत मुरला विशेष पुण्यानुमोदन, कारण की त्यांनी ह्या हॉल करता खूप मेहनत घेतलेली आहे। आणि इथे उपस्थित सर्व धम्मचारी धम्मचारिणी मित्र धम्ममित्र धम्मबंधू भगिनींना आज मनोगत कार्यक्रम की जो प्रक्रिया कसे जीवन परिवर्तन करायची आहे त्या क्षेत्राबद्दल भंदे संघरक्षितनी शिक्षणाच्या माध्यमातून जे दिलेले आपल्या प्रक्रिया जी दिलेली आहे त्याच्याबद्दल काय एक विशेष पुण्यानुमोदन आहे भंतेजीचं, कारण काय की त्यांनी जी प्रक्रिया दिली आहे ह्या केसापर्यंत यायची। पहिली प्रक्रिया आहे साहित्यिक शिक्षक कशी झाली पाहिजे, त्याला कोणते सब्जेक्ट कोणते म्हणजे आचरण कसं करायचं हे पहिले साहित्य असते। दुसरं मित्र अभ्यास असतं, मित्र अभ्यास मित्र शिबिर असतात आणि मित्राबरोबर संपर्क कसे असतात त्याच्याबद्दल दुसरी शिक्षा असते। तिसरी असते जी एफ आरमध्ये मित्र अभ्यास आणि जबाबदार धम्मच्या कशा दिल्या जातात त्याबद्दल ही प्रक्रिया असते। पण आपण अगर विचार केला हे सर्व कशा करता, हा एवढा म्हणजे हे सर्व जे दैनिक जीवनामध्ये आपण सुख सुविधा भोगतो त्याच्यापेक्षा हे थोडंसं वेगळं आहे, हे सर्व कशा करता? तर बुद्धांनी बुद्ध वर्गामध्ये म्हटलेलं आहे किच्छ मनुष्यपटी लाभो किच्छ मचान जीवितं किच्छ सद्दम श्रवणं किच्छ बुद्धानुपादो। मानव जीवन पाना कठिन है, मानव का जीवन अगर मिल गया तो उसको जीना भी कठिन है, सद्धम्म श्रवण का अवसर मिलना कठिन है और बुद्ध की तो उत्पत्ति ही बहुत कठिन है। 2600 साल पहले हुए थे बुद्ध, अभी तक मैत्री बुद्ध आने के लिए और कितना टाइम लगे कह नहीं सकते। तब मैं अपनी प्रारंभिक इससे आता हूँ कि मेरे ऊपर जो परिस्थितियाँ गुजरी उसके ऊपर से। तो बाबा साहेब ने जो दीक्षा ली 1956 में, उस दीक्षा में मैं भी उपस्थित था। मैं उस टाइम पर 12 साल का था और दीक्षा में जो उन्होंने त्रिशरण पंचशील जो दिया था वो मैंने ग्रहण किया। और दीक्षा जो 18 मार्च को मेरे को 10 साल की हुई तो मुझे 66 साल 6 महीने हो गए थे। तो 10 साल जो मिला है मेरे को 66 साल 6 महीने के बाद मिला है। इतनी आसानी से नहीं मिला कि जैसे मित्र दीक्षा हुई आपने 8-10 साल प्रयास किए और उसके बाद, मेरे को बहुत लंबा समय लग गया। उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने जो दीक्षा दी उस टाइम पर उसके पहले की परिस्थिति ऐसी ख़राब थी वो मैंने देखी है। छुआछूत का एक माहौल था। एक स्कूल में जब मैं 51 में पहली क्लास में गया तो उस टाइम मेरे को दरवाजे के पास बैठा जाता था और सुवर्ण लड़के लोग गुरुजी के पास बैठते थे। पानी पीने के लिए स्कूल में चपरासी ऊपर से पानी डालता था, ये सब मैंने भोगा है। अच्छा, उसके बाद भी उस टाइम पर प्रक्रिया ये थी कि वो गांधी जी का जो वर्चस्व था, पहली पंचवर्षीय योजना थी, गांधी जी का जो वर्चस्व था तो कोई भी एडमिशन के लिए स्कूल में गया तो वो चाहे महार रहे मांग रहे या कोई भी रहे वो कुछ नहीं लिखते थे, हरिजन लिख देते थे। अभी हरिजन लिखा है तो अभी ये हरिजन की जो प्रक्रिया है मेरे को बहुत साल के बाद बड़ी अकवाड लगी, जब मेरा लड़का डॉक्टर है उसको
पीजी में प्रवेश के लिए उसको मेरी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए थी, और उस टाइम मैंने वो खोजबीन करके निकाला इतने सालों के बाद, तो उसमें हरिजन लिखा हुआ था, तो बड़ा देख बहुत ही ये लगा, उसको मेरे को चेंज करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात, शिक्षा भी बड़ी अजीब थी। शिक्षा ये थी कि उस टाइम एक सब्जेक्ट हुआ करता सूत काटना, तकली रहा करती थी और कपास की पोनी दी जाती थी, हमको सूत काटने के लिए दिया जाता था, और जिसका सूत अच्छा रहेगा उसको अच्छे नंबर मिलते थे, एक विशेष बात थी। और घर की परिस्थिति ये थी कि हम लोग अगर बाजार में गए तो हमको कपड़े भी खरीदना रहा तो कपड़े की दुकान वाला पैसे तो गिन के बराबर लेता था, मगर उसमें गिली मट्टी और लाके ऐसा फेंक के देता था। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये परिस्थितियाँ मैंने देखी है। बाबा साहब ने जो दीक्षा दी उसके पहले की बात बता रहा हूँ। ये दीक्षा लेने के बाद बहुत कुछ धीरे 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 परिवर्तन हुआ चालू हुआ, और आज हम जो सुख सुविधा जो भोग रहे हैं ये बाबा साहब की देन है। उसके बाद 1956 जैसा आया, एक विशेष उस साल का आगमन हुआ। क्या है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू जी की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योग धंधे खुले, नए नए उद्योग खुले, नए नए सब आचार संहिता एकदम चेंज हो गई, और उसमें बाद 1 अप्रैल में नए पैसे आ गए, 100 पैसे का 1 रुपया। पहले 64 पैसे का रुपया था, 16 आने का रुपया था, वो ब्रिटिश का बंद हुआ, ब्रिटिश का पूरा बंद हुआ, एक नया चालू हुआ। और ये ऐसे माहौल में ही ये करते करते बाबा साहब की जब दीक्षा आई तो वो दीक्षा के टाइम पर नागपुर हमारे लोगों में जो इंदौरा लश्करी बाग क्लास लाइन वाले जो हम लोग रहते थे उस एरिया में बहुत झगड़े जासे होते थे, मगर उस दिन उसके 2-3 दिन पहले एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा नागपुर एकदम जैसे ऐसा लग रहा था बिल्कुल शांत, जैसे अपन ध्यान में बैठते ना ऐसे इक्का दुक्का, नल के ऊपर कोई झगड़े नहीं, कोई चाकू छुरी नहीं चली, एकदम बड़ा शांत, बहुत ही एक अजीब ही था। ऐसे इसमें जब बाबा साहेब दीक्षा के लिए हम लोग वहाँ गए तो उनको देखने के लिए कम से कम 4-1 लाख लोग आए होंगे, और वो पीछे से जब बाबा साहेब स्टेज के ऊपर चढ़े तो एक हाथ रत्तू के कंधे पर था, ऐसे टेकते हुए ऊपर आए तो लोग उनको देखने के लिए भाव विभोर हो गए उनको देखने के लिए। हम लोग बच्चे लोग सामने बैठे थे, हमारे पीछे महिलाएं थी, हमारे उसके पीछे में जेंट्स थे, पूरे एक के ऊपर एक गिर गए, हमारे तो दब गया। तो मुझे ये देखो बाप रे, और उस टाइम बाबा साहब को सिर्फ देख रहे थे लोग, और उनको तथागत के बारे में कुछ भी बराबर मालूम नहीं था, सिर्फ जो बाबा साहब बोलेंगे उसी को सुनने आए थे। और बहुत जन तो ऐसे थे पूरा सफ़ेद कपड़े पहन के आए थे, ऐसी बात नहीं, सफ़ेद कपड़े का पूरा दीक्षा भूमि सफ़ेद कपड़े से सरोवर था। और उस वक्त तक जो अन्य बहुत सारे जो दूसरे लोग आए थे गाँव से, उनके आँखों में तो आंसू थे, सिर्फ बाबा साहब को देखकर रो रहे थे। तो ये माहौल मुझे अभी भी याद है। मगर 1957 में जब हमारे पिताजी एम्प्रेस मिल का काम छोड़ के भिलाई स्टील प्लांट चले गए, क्योंकि पैसे का बड़ा प्रॉब्लम था, और पैसे यानी हम गरीबी थी, मैक्सिमम लोग गरीबी थे, अभी स्टैंडर्ड हुआ है, नहीं तो हम लोग सभी गरीबी से ही आए हैं। तो वहाँ भिलाई में जाने के बाद पहले 5 साल में वो कुछ ना बिहार है ना भंते है ना कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वही पुराने रीति रिवाज और पुराने वो हिंदू धर्म के पाखंड वगैरह ये सब। और उस माहौल में हम लोग को क्या है कि बाबा साहब का वो जो धम्म जो दिया उन्होंने
वो वॉश आउट होते चला गया धीरे 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 धीरे, और वो फिर से वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज ये है वो सब बढ़ने लग गए। मगर एक शिक्षा हमेशा बाबा साहब की याद थी, वो था सीखा, संघर्ष करा, असंगठित हुआ। इसके ऊपर तो हमने माइनटली बहुत केंद्रीकरण किया, हमने अपने आप को सुधारने के लिए, जब मैंने खुद ही 1961 में एक प्राइवेट नौकरी ज्वाइन की सिनेमा हॉल में, एज ए बुकिंग कलर की काम कर रहा था मैं, मगर वो ब्राह्मीन था मालक, उस ब्राह्मीन के पास मैं उसको कम से कम 10 साल तक पता ही नहीं लगने दिया कि मैं महार जाति का हूँ। उसको टाइम पर अब जो काम देता था जवाबदारी के साथ अच्छे से करना, हर वक्त जो जो जैसा बोलता था वैसा करना, उसको पता ही नहीं लगा कि मैं महार हूँ। और जब पता लगा तो वो बड़ा हंस रहा था, अरे बोले मेरे यहाँ तो मेरे जो रिश्तेदार है भाई है और साले है ये भी इतना अच्छा नहीं काम किया बोले जितना आपने किया है, इसलिए मेरे को वो इसलिए कि तुमने मुझे जात पूछने का कोई अवसर ही नहीं दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। वहाँ मैं 15 साल नौकरी किया प्राइवेट में, उसी में मेरी शादी हुई और 3-4 बच्चे मेरे प्राइवेट नौकरी में ही हुए, 2 लड़के हैं मुझे, 2 लड़कियाँ हैं। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब का ऑफर आया बिला स्टील प्लांट में, मैं नौकरी के ऊपर ज्वाइन हुआ तो वो पुराना जो मालक थे वो मेरे लिए बड़े ये थे अंदर से कि अरे एक अच्छा कार्यकर्ता मेरे पास से निकल रहा है। तो क्या है कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया तो मुझे एक बड़ी सांत्वना हुई कि मेरा जो कैरियर है वो फिक्स हो गया, यानी बच्चों के लाइफ फिक्स हो गए, सब कुछ हो गए। तो उस हिसाब से क्या किया, मैं बच्चों का एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग गया। तो अब तो यानी 10वीं क्लास तक तो मैं मिसेज के ऊपर उसका कैरियर का जिम्मेदारी छोड़ दिया, मगर 11वीं और 12वीं में मैं उनके पीछे कोचिंग ट्यूशन ये वो कर करके PMT BET पास करके डॉक्टर इंजीनियर हो गए लड़के। तो मुझे बड़ा संतोष हुआ कि मैंने बाबा साहब की जो प्रेरणा थी उसने थोड़ा सा काम किया, तो बड़ी सांत्वना मिली। मगर उस टाइम तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, यानी इतना कि मुझे 12 किलोमीटर साइकिल से जाना और ड्यूटी और 12 किलोमीटर साइकिल से आना, क्योंकि बच्चों चारों बच्चे बाहर पढ़ते थे और उनको उनके पैसे भेजना और मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, और इधर मिसेज कुछ नहीं देखते थे, हमेशा यही बोलना मेरे को साड़ी ये चाहिए तो वो चाहिए, अरे मैं तेरे बच्चे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूँ। अब ये सब देखने के लिए कम से कम तो कि उसने भी कोऑपरेट करना चाहिए ना, मगर नहीं। और मैं इसी यानी ताने बुने में करते 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 जब बच्चे लोग पढ़ लिख के आए तो उनको जॉब लगा, लड़कियों की शादी हुई, उनकी शादी हुई, मैंने चारों बच्चे की शादी 2007 में कंप्लीट कर दी। 2007 के बाद मेरे पास कोई पारिवारिक कोई जवाबदारी नहीं थी, वो अपने घर में अभी भी खुश है और मैं उनसे कुछ लेता भी नहीं, और उनको बोला है कि तुम मेरे को मांगना भी नहीं। सबसे दुख की बात यह है इस पीरियड में मैंने भिलाई में बहुत पॉश एरिया में बहुत 2 मंजिला मकान बनाया, 4-व्हीलर ले आया, जब मैं नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में गया तो 4-व्हीलर भी आई मेरे पास। उसके सब एक चरम सीमा पर मैं अपनी जो दरिद्रता थी उसको नष्ट करते हुए एक चरम सीमा पर आया, सब सुख सुविधा हो गई। मैंने अपनी ड्राइविंग की, अमरावती गया 3-4 दफ़ा, नागपुर आया 7-8 दफ़ा अपने ड्राइविंग करते हुए। वो कहने का मतलब यह है कि कैरियर की जो ऊंचाई होती है उसके बाद जो स्लिप होना चालू होता है, कैरियर एक जैसा नहीं रहता,
उसके बाद जो स्लिप होना चालू हुआ, शादी चौथी शादी के बाद क्या है, सभी दोनों लड़कियां अपने ससुराल गई, दोनों लड़के अपने जॉब में गए, और हमारी मिसेज भी उसको नाती के लिए लेके जाते थे, माता ने छोड़ दिला, चल ली नातवा गड़े। अरे मैंने बोला साहब मेरे को बड़ा ये हुआ, इतने मेहनत से इतने इससे ये किया मैंने, और अंत में इस समय में कोई नहीं मेरे पास, और यहीं से मेरे को दृष्टि मिली। सम्यक दृष्टि जो मिलती है वो यही पॉइंट था, इसी पॉइंट के ऊपर मैं अकेला भिलाई में, सब किराएदार से साथ में, सब कुछ था, मगर अकेले में मैं अपने आप को बड़ा अजीब ही फील कर रहा था। उतने में एक धर्मचारी आए अमृत रत्न रायपुर से, रायपुर से अमृत रत्न करके धर्मचारी आए, उन्होंने मुझे लेके गए कैलिंगपोंग। देखिए पहले तो मैं बाबा साहेब बोधिसत्व को देख चुका हूँ, दूसरा कैलिंगपोंग में भंते जी का वास्तव्य था, 17 साल भंते जी रहे, भंते जी की शिक्षा दीक्षा गुरु गुरु सब उनसे थे, रिम्पोचे जगदीश कश्यप वगैरह जितने गुरु थे वहाँ थे, और उनका जो देखा मैंने वहाँ उनके हाल में, नीचे स्कूल है ऊपर उनके हाल में, भंते जी के हाल में बाबा साहब के 3 मुलाकात के फोटो लगे थे। तो बाबा साहब की जो इच्छा थी बौद्ध धर्म में क्या चाहिए, कैसा चाहिए धम्म, और कैसे इसका आगे की प्रगति होगी, ये सब वहाँ देखने को मिला। तो मेरे मेमोरी में 55 साल वापस आए कैलिंगपोंग में, उस जगह बैठने के बाद मेरे मेमोरी में 55 साल में पीछे गया। अरे बाबा साहब उस टाइम पर जब 22 प्रतिज्ञा दिए थे उसके पहले यही बोले थे कि मुझे धम्म बौद्ध धर्म में क्या परिवर्तन करना। वहां से कैलिंगपोंग यहाँ से कम 1,500 किलोमीटर दूर है, कलकत्ता ही 9,000 है, उसके ऊपर 400-500 किलोमीटर ऊपर दार्जिलिंग के पास है। वहाँ जो धम्मचारी थे उनको बोला भाई अब मैं यहाँ मुझे जो कुछ भी है मुझे ले चलो आप, मैं अभी त्रिरत्न के शरण में जाऊँगा, त्रिरत्न मुझे मालूम नहीं है कहाँ है क्या है, मैं त्रिरत्न को देखा ही नहीं था, 2010 तक मुझे त्रिरत्न है करके मालूम ही नहीं। तो उनको मैं लेके आया अमृत रत्न को यहाँ, उस टाइम अमृत सिद्धि थे इंचार्ज, आज सुगत प्रिया जी है, अमृत सिद्धि थे, अमृत सिद्धि के पास लेके आए, और वहाँ से मुझे त्रिरत्न का जो शिक्षा है उसका अवसर मिला, और वह मैं चालू किया। तो शुरू में क्या है कि साधारण जो जनरल शिविर करते गए करते किए, कुछ मित्र शिविर भी किए, कुछ शुद्ध किए, मगर धम्म जाता ही नहीं था, धम्म अंदर जाता ही नहीं था, ध्यान नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था, तो बड़ा ये लगता था। तो अमृत सिद्धि मेरे को पूछते रहते थे क्या भाई कैसे आप ध्यान लगता है, मन मन बिल्कुल नहीं लगता। तो उन्होंने बहुत गौर से देखे, उसके बाद मुझे उन्होंने ट्रेनिंग के लिए डीएम पाटिल का पास भेजे, डीएम पाटिल यानी एक दमुद थे उनके पिताजी यानी अमृत सिद्धि के ससुर डीएम पाटिल, उनके पास गया मैं, 6 महीने उनके पास ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग भी ली तो उन्होंने देखा कि इनके आलय विज्ञान में पूरा हिंदू धर्म का कचरा भरा हुआ है। कचरा कैसे, तुलसी को पानी डालना, सूर्य को पानी डालना, मंदिर में घंटी बजाना, मंदिर जाना, ये सब जो कचरा है पूरा भरा हुआ था, इसको उन्होंने ऐसे तरीके से निकाला कि कैसा हिंदू धर्म ने हमारे धर्म को कैसा नाश किया, और कैसा उन्होंने अपने आप को अपना वर्चस्व निभाने के लिए कैसे क्या क्या किए, वो सब मेरे को बताते गए, और उस हिसाब से मैंने
वो सब निकलते गया। उसके बाद जब 6 महीने के बाद मैंने शिविर करने गया, सही में एकाग्रता आई, ध्यान तो लगा। तो ध्यान लगने के बाद अब अमृत सिद्धि हमेशा बाहर रहते थे, आते थे तब जरूर पूछते थे अब कैसा लग रहा है। मैंने बोला अभी ठीक लग रहा है। उसके बाद मेरे कल्याण मित्र है ज्ञानोदय, ज्ञानोदय के पास पूजा पहले मेरी ट्रेनिंग चालू प्रॉपर। इनके पास ट्रेनिंग जब चालू हुए तो इन्होंने ऐसी कल्याण मित्रता दिखाई कि मैं कह नहीं सकता। अभी भी उनका एक अलग ही प्रोसीजर है मित्रों को संगठित करने का। वो मित्रों को देखते कि इसको क्या चाहिए, घर से क्यों परेशान है। उस हिसाब से उन्होंने क्या किया कि मेरे अंदर वो धम्म को रुझवाए। और ऐसा करते करते फिर मित्र दीक्षा हुई 2014 में पूर्णिमा के दिन मित्र दीक्षा हुई। उसके बाद जब यहाँ की स्टडी कंप्लीट हुई तो फिर मुझे रत्नोदय के रत्न सिद्धि के बाद GFR ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। अब GFR ट्रेनिंग में मैं ये सोचने लग गया कि भाई अभी तो मैं ठीक हो गया, मगर नहीं, ठीक नहीं हुआ। मेरे में और भी अवगुण पड़े हुए थे, बहुत अवगुण। शील का तो नहीं, शील का शारीरिक शील, वाचे की शील तो अपन कंट्रोल कर लेते हैं, मगर मन के शील नहीं निकलते। ये मेरा अपना अनुभव है। और वो मन के शील जो निकाला है तो सिर्फ रत्न सिद्धि ने निकाला है। ऐसी फटकार लगाई मेरे को कि मुझे पूरा ब्रह्मा पूरा ये याद आ गया। कह रहे मैं कितना अभी भी सोच रहा था जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उन्होंने वो जो रत्न सिद्धि ने जो मुझे सब चीज़ों से अवगत करवाया और जो मेरे अंदर के जो अकुशलता है वो सब निकाली, तो वो यहाँ इस स्टेज तक लेके आए। ये कैसा, ये जो मेरे को नाम मिला है गोदी बनी, ये रत्न सिद्धि की ही देन है। तो बोधि का मतलब होता है ज्ञान है, और मणि का मतलब होता है रत्न, यानी ज्ञान रत्न, ऐसा मुझे नाम इन्होंने दिया है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मुझे योगदान जो मिला हमारे दो कल्याण मित्र। पहले कल्याण मित्र है हमारे ज्ञानोदय, उन्होंने सख्त सुविधा किताबें लाके देना, मुझे खुद लाकर देते थे। मेरे आर्थिक परिस्थिति क्या है, घर गुत्ती क्या है, सब उसमें एडजस्ट करते थे। उसके बाद दूसरे है अनुम्बल। अनुम्बल ने तो हर पल, हर रोज उनका फोन आना, कहाँ गलती हुआ है, कैसा आपने पाप देखना करना है, वो रोज उसको वाच करते थे। और इस तरह से मेरे को उन्होंने स्टैंड किया है। तीसरे थे रत्न सिद्धि, मौन नहीं पाला। ये दूसरा जो आचरण नहीं किया उसके लिए मेरे को उन्होंने काफ़ी कसौटी टाइट की और मुझे यहाँ तक ले आया। और अंत में थे अमोक सिद्धि। 2017 में मैं जब अमोक सिद्धि के सामने गया तो एक बड़ा परेशान हुआ, एक बड़ा अजीब सा फील हो रहा था कि यानी ना धम्म में प्रवीण था ना गृहस्थी में, अजीब। इसमें गया तो मैं उनको बोला, सर आप मुझे बताइए कि मेरे जैसे वयस्कर आदमी के लिए, उस टाइम मेरी एज थी 72 जब मैं अमोक सिद्धि से मिला, मेरे जैसे वयोवृद्ध आदमी के लिए आगे की प्रक्रिया आपके पास है क्या, या मुझे कुछ आगे मिल सकता है क्या कुछ। तो उन्होंने क्या किया, एक देखिए, एक दुखी आदमी, एक नकारात्मक भावना लिया हुआ आदमी जब इतने महान आदमी के पास जाता है तो उनका प्रक्रिया देखो। उन्होंने क्या किया, बोलने के पहले मेरे को गले से लगा लिया, बोलना तो बाद में, मेरे गले से लगा लिया। बोले है आपका वेलकम है, आप धम्मा आचरण कर लो। मैंने 80 साल के कांवड़े साहब को मैंने बोले कोल्हापुर में दीक्षा दी,
और 85 साल तक वो अच्छे धम्म कार्य करते रहे। तो ये मेरा जो पॉइंट था सकारात्मक ऊर्जा, यहाँ से मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये जो मिला है आसानी से नहीं मिला है, बहुत कसौटियाँ कसनी पड़ी। तो आपने जो मुझे सुन लिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं यहीं करता हूँ।